नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कृषि से जुड़े अध्यादेशों को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा जारी है। हालांकि इसी हो हंगामे के बीच तीन में से दो अध्यादेश गुरुवार को लोकसभा में पास भी हो गए। लोकसभा में बिल पास होने के बाद हंगामा और बढ़ गया है। किसान बिलों पर किसान और विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, खुद एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी से एकमात्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया। इन हंगामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान बिल पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों बिलों को किसान के हित में बताते हुए विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के जरिए उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी खरीद भी पहले की ही तरह जारी रहेगी। विपक्ष को सरकार की बात रास नहीं आ रही। इस कड़ी में आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की गई तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सवाल भी किया कि मंडी के बाहर बिकने वाली फसल की एमएसपी का क्या होगा। हुड्डा ने किसानों को गुमराह करने वाले आरोपों का जवाब भी दिया। हुड्डा ने कहा, अन्नदाता को कोई गुमराह नहीं कर सकता, अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। कृषि अध्यादेशों को लेकर खास मेहमानों के साथ हम उस पर चर्चा करेंगे बड़ी बहस में, लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं और जो छोटा किसान है वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता न उसके पास तक निवेश पहुंच पाता है, और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। जब एक तरफ मंडी में एमएसपी पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर एमएसपी लागू करो। जब एमएसपी हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, एमएसपी से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि कहीं इसमें एमएसपी मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। कांग्रेस ने मांग की है विधानसभा के सत्र को बुलाने की, सत्र आसान हुआ नहीं है अभी तक, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है जो जब सवाल विपक्ष लेकर खड़ा है अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है? कांग्रेस के पास सिवाय झूठी पब्लिसिटी प्राप्त करने के कोई एजेंडा नहीं है। विधानसभा सत्र बुलाने को हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लोकसभा का सत्र चला हुआ है, वहाँ बहस कर लीजिए, कहीं किसी भी मंच पर बहस करें, उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसानों के कंधे पर रखे बंदूक ना चलाएं, राजनीति सीधी सीधी करें। जी ने भी कल कहा है कि ये किसानों की
तरक्की के लिए है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा। हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है, जो ऑर्डिनेंसेज आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेज हैं, इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आढ़ती हैं तीनों को नुकसान होगा। इसमें है वो यार, ये क्या करेंगे, ये अगर इतना किसान तेजी होते ही, ये तो जो अकाली SAD क्यों विड्रॉ करती। मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले, सबको मालूम है को पढ़ें। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ें। कई किसान संगठन और विपक्ष कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बता रहे हैं, तो कई जिलों में बिलों के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। भिवानी, रेवाड़ी और हिसार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने कृषि अध्यादेशों को लागू करने की मांग की और बिलों का समर्थन किया। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उकलाना, भिवानी और रेवाड़ी, जहाँ समर्थन में किसान नारे लगा रहे हैं कि जो कृषि अध्यादेश बिल आया है वो किसानों के हित में है, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करने की बात की जा रही है। वहीं कुछ प्रदर्शन विरोध में भी हो रहे हैं, वहां पर किसान इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बड़े मुद्दे पर जो बड़ी बहस होगी उसमें हमारे सवाल रहेंगे कि अध्यादेशों पर किसानों को कौन गुमराह कर रहा है और क्या किसानों को गुमराह किया जा सकता है, और बिल में फायदे की बात है तो आखिरकार किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये हमारे सवाल रहेंगे। और इस बड़ी बहस में इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। प्रवीण अत्रे हैं, BJP की तरफ से प्रवक्ता हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से बाल मुकुंद शर्मा हैं और JJP की तरफ से अरविंद भारद्वाज, ये हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी बालमुकुंद शर्मा और प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से ही रहेगा, बालमुकुंद जी से। बालमुकुंद जी, अब तो प्रधानमंत्री भी आकर कह चुके हैं कि किसानों के हित में ये हैं और जो MSP है वो लागू रहेगी, किसी भी तरह से उसको खत्म नहीं किया जाएगा, फिर विरोध क्यों? ठीक है, शायद हमारी आवाज़ बालमुकुंद जी तक नहीं जा रही है। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं। अत्रे जी, प्रधानमंत्री तक को सामने आना पड़ा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसान हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, यतिंद्र, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात कहना गलत है कि किसान नहीं मान रहे। आपने स्वयं अभी दिखाया जी कि बहुत से क्षेत्र, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में किसान इन अध्यादेशों के समर्थन के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि ये अध्यादेश जो, ये कानून सब लागू हो तो किसानों के हित में। तो इसलिए हम ये अगर कहें कि साहब किसान नहीं मान रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस इन अध्यादेश, अगर किसान मान रहे होते तो प्रधानमंत्री को सामने नहीं आना पड़ता। अत्रे जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है यतिंद्र, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहें कि नहीं मान रहे हैं वो भी गलत, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है, ये भी आपने ही बताया, आप ही ने खबर दिखाई है और मैं तो आपकी खबर पे बात कर रहा हूँ जी। तो ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन वो कितनी जगह, लेकिन ज्यादातर तो विरोध हो रहा है आपके अकाली दल की, जो इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी NDA की सहयोगी दल, वो भी साथ छोड़ गए, ये भी तो हम ही कह रहे हैं, इसको भी मानिए फिर आप। मैंने इस बात से इनकार कब किया है जी? मैंने तो केवल वो बात कही जो आपने दिखाई, मैंने इस बात से तो इनकार ही नहीं किया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि समझने वाली बात ये है कि विपक्षी दल इन अध्यादेशों पे इतने तिल मिलाए क्यों है, ये समझना जरूरी है जी। आपने देखा जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अभी मीडिया में बाइट दे रहे थे और हुड्डा साहब जो बातें कह रहे थे, मुझे हैरानी होती है। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि साहब APMC Act जो है
उसके अंदर उसको खत्म कर दिया गया। हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसको परिवर्तन कर दिया गया। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि साहब एमएसपी जो है वो बाहर भी कानून बना दिया जाए। हुड्डा साहब ये भी कहते हैं कि साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। अब देखिए हो करा है, हुड्डा साहब स्वयं 10 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में यूपीए की सरकार रही, बड़ा लंबा वक्त था हुड्डा साहब के पास एमएसपी का कानून बना लेते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने कानून। और जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, साहब 9 साल उस रिपोर्ट को दबा के तो हुड्डा साहब बैठे रहे। 2006 जून में रिपोर्ट आती है, लगातार कांग्रेस लागू करने का आश्वासन देती रहती है, हुड्डा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं जिस कमेटी की जिम्मेवारी होती है कि रिपोर्ट को लागू करवाया जाए, लेकिन 9 साल तक रिपोर्ट दबा के बैठे रहे। हमारी सरकार आती है और हम उस रिपोर्ट को लागू करते हैं, ये पूरे देश के किसानों ने देखा। और सबसे बड़ी बात, इतनी तकलीफ क्यों है, मैं थोड़े से एग्जाम्पल के साथ यतिंद्र आपको बता। तकलीफ तो अकाली दल को भी है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपके, पहले थोड़ा सा हो क्या रहा है कि जिस वक्त मोदी जी ने केरोसिन माफिया को खत्म किया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए, उस वक्त कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया था क्योंकि केरोसिन माफिया पे चोट लगी थी, राशन माफिया पे चोट लगी तो हल्ला मचा। जनधन खाते खोल के डीबीटी के जरिए डायरेक्ट पैसा अब जाएगा खातों में, तब भी कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ली की थी। वजह क्या है? वजह केवल एक है, जनधन खाते खुलते हैं डीबीटी के जरिए, बेनिफिट जमा होते हैं सीधे, 1.72 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है पूरे देश में जी। 1.72 लाख रुपया जो बचत होती है ये कहाँ जा रहा था? किसकी जेब में जा रहा था? जिनकी जेब में जा रहा था उनको तकलीफ हुई थी, उन्होंने चिल्ला चिल्ली शुरू की थी। और वही स्थिति यहाँ पे है, जो बिचौलिए हैं, जिन बिचौलियों के ऊपर चोट है अध्यादेश, क्योंकि किसान जब सशक्त होगा उसको अपनी कीमतों पे अलग। ठीक है बाल मुकुंद जी, आप सुन रहे हैं, आपके ऊपर आरोप है कि बिचौलियों को नुकसान हुआ या जो कमीशन जेब में जा रहा था उस पर जब चोट पहुंची है, शायद यही कारण है कि आप तिल मिला रहे हैं। देखिए नात न जाने आंगन टेढ़ा जी, ये कल तक तो जो किसान पिपली में इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लगातार अपनी बात रखने के लिए सरकार की तक अपनी गूंज बताई, उनको इन्होंने कह दिया ये कांग्रेसी लोग हैं। तो क्या आप ये हरसिमरत कौर बादल को भी कांग्रेसी कह सकते हैं क्या? आपको एक बताइए, मैं 40 साल से प्रकाश सिंह बादल किसानों की राजनीति करते रहे हैं, उनकी समझ पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग। आप ये बताइए किसने इनसे मांग करी थी अध्यादेश लाने की, कि इन्होंने इनसे मांग की थी कि ये विधेयक लेके आए, नहीं इस तरीके की बात रखे। अब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात कर लीजिए, जो 1955 में कानून बनाया कि इन चीजों का आप स्टोरेज नहीं कर सकते, जमाखोरी नहीं कर सकते, एक आवश्यकता एक संख्या से ज्यादा लिमिट में इसको आप अपने पास नहीं रख सकते, उसका कारण ये था कि जो हमारे देश में जिस तरीके से खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा और जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है आज, के कुछ बहुत पूंजीपति लोग, इतने अमीर लोग भी हैं इस देश में कि वो सारे अनाज का भंडारण अपने पास अकेले कर ले, लोगों के लिए खाने का अनाज ही नहीं रहेगा जी। ये व्यवस्था बताती हिंदुस्तान की, और उसके लिए वो कानून लिया गया था। मैं आऊंगा आपके पास अत्रे जी, सुन लीजिए जरा। उस कानून का ये फायदा हमारे देश में मिला जी, कि जो उत्पादन हुआ वो मंडियों में आया, मंडियों में जो जो बिक्री हुई, किस चीज को जरूरत हुई, बंटवारे के हिसाब से राइस सेलर को, मिल को, वनस्पति वालों को, बासमती राउल को, जीनिंग मिल वालों को, सबको बंटवारे के हिसाब से चीजें जाती थी जी। अब इतना बड़ा ढांचा आप देखिए, जो जीनिंग मिल है, जो बासमती राइस मिल है, ऑयल मिल है, जितनी मंडियां हैं, कितने लोग कितने आड़ती हैं, एक बहुत बड़ा एक तंत्र है पूरा किसानों के इर्द गिर्द, क्योंकि जो हमारा जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइज संगठन है, अनऑर्गेनाइज संगठन है, जो चीजें हमारे देश में कृषि से जुड़े लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है, और ये समूह में ही खेती होती है, खेती और खेती से जुड़े उत्पाद है, उनमें समूह की बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, चाहे आप दूध उत्पादन से लगा लें, चाहे आप दूसरे उत्पादन से लगा लें जी। अगर कृषि का फायदा किसानों को सीधे तौर पर नहीं मिल रहा और बिचौलिए उसमें अपना कमीशन खा रहे हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था का चलना जरूरी है? मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनिए पूरी। वो जो कमीशन खाने वाली बात कहते हैं ये लोग, उनको तो कमीशन का लाइसेंस दिया गया बाकायदा, उनका नाम ही कमीशन एजेंट है। वो जो कमीशन खाने वाले जिन लोगों पर आज उंगली उठा रहे हैं,
सरकार से तय लाइसेंस शुदा कमीशन है ये। हाँ तो सरकार अब उस नियम को चेंज कर रही है ना, जब उसे लग रहा है कि किसानों को नुकसान हो रहा था उसका, और ये कोई आज का नियम तो नहीं ना, ये तो पहले से जब आपकी सरकार थी तब से बना हुआ है। इंद्र जी दो बात पे ध्यान रखने को क्या है, सरकार का काम लोगों की अनुशंसा के अनुसार, लोगों के इच्छा के अनुसार और लोगों के सहयोग के लिए काम करना होता है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो विधेयक आप ये लेके आए उसको ये अध्यादेश के रूप में लाते हैं जी, एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखाते हैं। और जब किसान सड़कों लेकिन इसी तरह के बिल को लाने की बात तो आप लोगों ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कही थी बाल मुकुंद जी। कांग्रेस मतलब दूसरा लेकर आए तो दिक्कत है, खुद लेकर आएंगे तो उसका स्वागत करेंगे जी। अत्रे जी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, अत्रे जी की सुन लेते ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास बिल्कुल पूरी बात सुनने के लिए आऊंगा, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं रोका बाल मुकुंद जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। अत्रे जी ₹1.72 लाख करोड़ उनकी जेबों में चला जाता था जो डीबीटी के जरिए हमने बचाए। हरियाणा प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होती है हर साल जो इनकी जेबों में चला जाता था, यही हम कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, देखिए खुद ये अपने घोषणा पत्र में वायदा करते हैं जैसा कि आपने भी कहा था, और इनको शायद पता नहीं है कि 1955 में जब ये एक्ट बना था देश के अंदर मात्र 20 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होता था, आज देश के अंदर 386 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात जो मित्र कह रहे हैं, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी एमएसपी के रूप में आप देखिए 2009 से 2014 तक जो पैसा दिया गया, और जब एनडीए सरकार आती है मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके 5 साल में जो एमएसपी के रूप में पैसा दिया गया 2.5 गुना की वृद्धि हुई थी। आप समझे कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 2.06 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसानों को दिया गया पूरे देश के अंदर, जबकि मोदी जी की सरकार ने 5 साल में 4.95 लाख करोड़ रुपया दिया है। ये केवल धान के लिए बात कर रहा हूं मैं, और अगर गेहूं की बात करें तो 2 गुना वृद्धि हुई है एमएसपी के अंदर मोदी जी के टाइम के अंदर। ठीक है सारी बातें मान लेते हैं, आंकड़े आपके पास हैं अत्रे जी, लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल है इस बड़ी बहस में जो हम बड़ा सवाल कर रहे हैं कि जब आपके सहयोगी दल ही आपको नहीं समझ पाए, इस पूरे बिल को नहीं समझ पाए, वो खुलकर सबसे पुराना गठबंधन आपका उनके साथ था, तो किसान कैसे समझेंगे? देखिए मैं अभी आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हरसिमरत बादल जी को एक चैनल पे सुन रहा था जी, और वो वहां पे ये कह रही थी कि आज मोदी जी ने आके जब पूरे देश को कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, और मेरी भी केवल यही मांग थी कि मोदी जी इस बात के लिए किसानों को आश्वस्त करें। देखिए ये स्वीकारिता की बात है, ये क्रेडिबिलिटी की बात है। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, जनधन खाते का जिसका विरोध कांग्रेस करती रही, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी पी चिदम्बरम थे, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी शिव गंगा के अंदर यही योजना पायलट प्रोजेक्ट तौर पे चलाई, लेकिन कामयाब नहीं हो मेरे सके। सवाल का जवाब ये नहीं हुआ अत्रे जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो अलग क्यों हुए जब आप लोग उनको नहीं समझा पाए। अरे आप जवाब तो उसको बताऊंगा ना भाई, आप समझिए पहले, उनका पायलट प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आपसे जो पूछा था वो बताओ ना। अरे भाई बोल रहे बाल, उनकी जो पूछा था वो बताओ ना। अरे भाई हो जाओ, शिवगंगा कहाँ से? अब आप आपसे पूछा जा रहा क्या? अगर आपसे जो पूछा था वही बताओ आप। अरे यूपीए का पत्रकारिता जनता के बीच में नहीं थी, हर तरह की चाहते थी कि मोदी जी या किसानों को आगे आश्वास्त करे, उन्होंने आश्वास्त कर दिया, हर तरह की उससे संतुष्ट है, केवल इतनी सी बात। अब आपको तो इसका मतलब इसका मतलब इस्तीफा वापस हो जाएगा अगर वो संतुष्ट हैं तो? अभी तक तो कोई ऑफिशियली बयान आया नहीं है। अरे भाई मैंने 2 मिनट पहले सुना उनको जीटी पे बैठी थी, आप बात कर लीजिए उनसे, 2 मिनट पहले सुना मैंने, 2 मिनट पहले वो यही कह रही थी। 16 मिनट से आप यहाँ बैठे हो दीपेंद्र जी, ये 16 मिनट से यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट पहले कैसे सुन लिया इन्होंने? ये आप 16 मिनट से यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, 16 मिनट से तो पंडित जी 16 मिनट से तो आप यहाँ बैठे हो, 2 मिनट पहले कैसे सुन लिया? सियाणी बिल्ली की तरह तर्क मत करो, आप ये 16 मिनट से आप यहाँ बैठे हो, आप जितेंद्र जी ये 16 मिनट से आप पहले बैठे हैं, 2 मिनट के बाद बोल रहे हैं। मैंने अभी चैनल पे ठीक है, ये तो यहाँ बैठे हैं बाल मुकुंद जी, आपके नेता तो सदन में भी नहीं है, इतने बड़े मुद्दे पर वो केवल ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पॉलिटिशियन है,
वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो तो टूर पे चले जाते हैं अपने ननिहाल में। ठीक है मेरा अत्री जी वही सवाल है, अब बाल मुकुंद जी को जवाब दे दीजिए। जी जी देखिए दो चीजें हैं जनरल जी, एमएसपी और एपीएमसी जी, इन चीजों पर आश्वासन दे सरकार, अरविंद अत्रे जी आश्वासन दे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, 2019 में अपने घोषणा पत्र में आपने ये वायदा क्यों कर रखा था, केवल किसानों को बरगलाने के लिए? आप मेरे बीच में बोलते हैं, अच्छा एक बात, आपने खुद ये वायदा किया हुआ था भाई, आप सुन लिए, आप सुन लीजिए, आपने अब आप सुन लीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैंने क्यों किया था वायदा आपने 2019 से? अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी से जुड़ गए हमारे साथ, वहीं भाकियू की तरफ से प्रवक्ता हैं राकेश कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का इस बड़ी बहस में स्वागत है। राकेश जी, प्रधानमंत्री आज खुद सामने आ गए, जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आप लोग सड़कों पर जिस तरह से सामने आए, क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो एमएसपी को लेकर जो मांग है वो नहीं हटेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या राजनीतिक बयानों से चलती है या संविधान और कानून से चलती है जी? यदि संविधान और कानून से चलती है तो एक कानून बनाने में क्या दिक्कत बीजेपी को आ रही है? सारी पार्टी बयान दे रही है, बयान देने से क्या होगा? यदि देश का किसान एक कानून की मांग कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन कृषि मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड सदन में बोला है, क्या उस बयान की कोई अहमियत नहीं? क्या देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है उसकी कोई अहमियत नहीं? कहा कि एमएसपी नहीं खत्म हो रहा, वो मंडी के अंदर खत्म नहीं हो रहा, या निजी हाथों में जब किसान की वो खरीद होगी या वहां खत्म नहीं हो रहा? हमें ये कृपया स्पष्ट कर दें कि जो एमएसपी की बातों कर रहे हैं और मंडी के अंदर की बात कर रहे हैं, जब मंडी ही खत्म हो जाएगी तो एमएसपी की क्या अहमियत रह जाएगी? ठीक है अरविंद जी, क्या क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपके यहाँ तो लाठी चार्ज भी हुआ जिसको लेकर आपके नेताओं ने ऐतराज भी जताया, तो क्या अब जो प्रधानमंत्री का बयान आया क्या वो अपने आप में स्पष्ट है या अभी भी भ्रम है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एमएसपी को लेकर हमारे नेताओं ने, दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय जी ने आज भी बयान दिया है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने आश्वस्त किया है कि कहीं किसी तरह से कोई उसमें छेड़खानी नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। एमएसपी पर सरकार जिस तरह से आज तक किसानों की फसल लेती आई है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, या और जो भी चीजें एमएसपी पर लेती है सरकार, उसी तरह से आगे भी ये खरीद जारी रहेगी, उसमें कहीं कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। और मेरा निवेदन है कांग्रेस के साथियों से भी और किसान यूनियन के साथियों से भी, एक मिनट सुने तो कि आप भी प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करें। कृषि मंत्री जी ने सदन में भी कहा है कि एमएसपी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी आपके सामने किसान यूनियन के नेता हैं राकेश जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए इस देश के और इस प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करते हैं, जनता ने फुल मैंडेट के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें चुना है। मैं ये नहीं मान सकता कि लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। हाँ, व्यक्तिगत कोई व्यक्ति ये कहे मैं भरोसा नहीं करता तो हम मान सकते हैं, हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी को आजादी है सोचने की, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी सरकार पर भरोसा करता है और हम पर भरोसा करता है। हम ये कहते हैं अगर एमएसपी पे, देखिए इनके किसान यूनियन के नेता भी यहाँ है, मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि अगर एमएसपी में कहीं कोई बदलाव होगा, अगर एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जाएंगी तो हम भी इन्हीं के साथ खड़े होंगे। हम भी, आप भी अकाली दल ने जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते पर आप भी जाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यही समझा रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं है। ठीक है ठीक है, एनएलओ की तरफ से प्रवक्ता संदीप गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी ठीक है, मैं आऊंगा राकेश जी। संदीप जी, अब तो बीजेपी की तरफ से भी साफ है, सरकार की तरफ से भी साफ है, हालांकि कांग्रेस ने भी अपने लोकसभा चुनाव का जो 2019 का चुनाव था उसमें अपने घोषणा पत्र में भी इस बिल का समर्थन किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये बिल वो लेकर भी आएंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किसानों को लूटती आई थी, किसान के लिए कोई भलाई के प्रोग्राम ना तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक किए थे, अगर भलाई के काम किसी ने किए तो 24 देवीलाल की नीतियों पे चलते हुए प्रदेश के अंदर
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की रही है। तो एक पुरानी बात है, मैं आज मुद्दे की बात करता हूँ, जो एमएसपी को लेकर कहा गया कि एमएसपी को लेकर बदलता है, आप ये बताइए ये तीन कानून में, इन तीन कानूनों में एक लाइन लिखने में क्या तकलीफ थी भारत की सरकार को कि एमएसपी के ऊपर मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के साथ एग्रीमेंट करते हुए रखा जाएगा। आखिर कानून बनाने वाले लोगों को, विद्वान लोगों को उस समय क्यों नहीं कर सकते? पहले के कानूनों में जो पहले की सरकार रही थी, जो पहले का जो मूल कानून है, क्या इसमें उस बात का जिक्र था? देखिए आप, मूल कानून जो सर छोटू राम जी ने बनाए, किसानों को बड़े बड़े जमाखोरों, बड़े बड़े से बचाने के लिए मंडियों का निर्माण करवा, मंडी कानून बनाए, और उस मंडी के अंदर होने वाली जो उसकी कमाई थी, उस कमाई को ग्रामीण ढांचे के ऊपर लगाकर गांव का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार से सारी चीजें कनेक्टेड थी। आज ये कानून आ गए, मार्केट फीस बंद हो जाएंगी, मार्केट के अंदर बिक्री बंद हो जाएगी, वो पैसा मार्केट की मंडी के अंदर नहीं आएगा, तो गाँव के विकास के ऊपर क्या लगेगा? एक प्रकार से एक बहुत बड़ा ग्रामीण ढांचे के ऊपर हमला है। मैं तो ये कहूंगा शर्मा जी कि तीन कानूनों के अंदर सबसे पहले आवश्यक वस्तु में संशोधन किया, और उसके अंदर एक बड़े बड़े धानों को एक भंडारण करने की एक छूट दे दी, और कानून पर लगाम तब लगेगी जब 100% के करीब महंगाई हॉर्टिकल्चर आई सब के ऊपर, 50% की पेरिसिकल आई सब के ऊपर, ये तब होगी जब भारत सरकार उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। तब तक ये प्याज का है 25-50 के अंदर जमाखोर उसका फायदा उठाएंगे। अत्रे साहब बड़ा सवाल ये भी है कि मार्केट को लेकर जो भारी मार्केट है कि वो मंडियों को खत्म करने का काम करेंगी और बाद में किसानों को लूटने का काम करेंगी। और दूसरा सवाल ये उठा रहे हैं जमाखोरी का, पहले सरकार खुद कहती थी कि जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, कोई व्यापारी या कोई भी कंपनी, लेकिन अब पूरा बाजार खोल दिया कि कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। जब सरकार स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियों की व्यवस्था एज इट इज रहेगी, तब एक हाइपोथेटिकल सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि साहब पहले तो ये बताइए कि एमएसपी मंडी से बाहर रहेगी, मंडी के अंदर रहेगी? अरे साहब, मैं वही कह रहा हूँ, एपीएमसी के अंदर मंडी व्यवस्था में एमएसपी एज इट इज रहेगी, जो व्यवस्था पहले से जारी है वो एज इट इज रहेगी। एमएसपी पे किसान की फसल की खरीद सरकार जैसे पहले करती थी अब भी करेगी, और ये बात हरियाणा के अंदर तो बहुत बड़ा उदाहरण है। रबी की फसल के लिए एमएसपी जारी हो चुकी है, सरकारी खरीद शुरू होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हाइपोथेटिकल बात करके नकारात्मक राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि साहब ऐसा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है मॉडिफिकेशन कर दिया, हालांकि कांग्रेस तो इस विषय पे बात ना करे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो खुद ये वायदे करते रहे हैं, भली जाए किसानों की बात करने के लिए। सुनिए, और दूसरी बात, कोई भी निर्णय वो काल, समय और परिस्थितियों पे निर्भर करता है। जब एपीएमसी एक्ट बना था 1955 में, पहले जिक्र कर चुका हूँ, 20 लाख टन की खाद्यान्न पैदावार थी देश के अंदर। आज खाद्यान्न पैदावार उससे 65 गुना ज्यादा है, आज की परिस्थितियां चाहती हैं। और दूसरी बात, खुद किसान ये मांग करते रहे लगातार पिछले 50 साल से, मांग करते रहे साहब हमें आजादी होनी चाहिए, उद्योगपति की तरह अपनी फसल का दाम हम खुद तय कर सके, अपने शर्तों पे बेच सके, एक देश एक कृषि व्यवस्था होनी चाहिए। किसान गया था सड़कों पर, किसान बजाने गया था, वो सरकार के फैसले सड़क के ऊपर आया था, आजादी की बात हो ठीक है। गोयल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, गोयल साहब आपको अपनी पूरी बात रखने का मौका दूंगा, सुन लीजिए। शुरू कर दिया जी, ऐसा है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि खुद जब ये मांग लगातार होती रही कि एक देश एक कृषि बाजार होना चाहिए, और इस मांग को आज सरकार ने मान लिया, तकलीफ कहाँ है? तकलीफ मैंने जैसे बताया कि जब बिचौलियों पे चोट पड़ती है तो वो लोग तिल मिलाते हैं कि जिनकी जेब में पैसे जाते हैं। दूसरा, जो लगातार किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, किसान का पेट तो पीठ पे लग गया, लेकिन वो लंबी लंबी कारों में चल रहे हैं, उनको तकलीफ होती है कि अगर किसान सशक्त हो गया। बाल मुकुंद जी, ये बड़ा आरोप है आपकी सरकारों पर, आपके नेताओं पर, उनके लिए। मैं आपको एक चीज अंदर से बता देना चाहता हूँ जी, ये बातों को इधर से उधर घुमा रहे हैं, जवाबों से बच रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मैं बताता हूँ, देश की आजादी के बाद इतनी खाद्यान्न की समस्याओं का सामना हमारे देश ने किया, भुखमरी जैसी हमारे पर नौबत थी, हमने कृषि क्षेत्र में विस्तृत आयाम स्थापित किए,
हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति हम लेके आए, और आज ये एपीएमसी की व्यवस्था है ये पूरे तरीके सुदृढ़ तरीके से मजबूत की, आज किसान इतना खुशहाल है, आज उसी व्यवस्था से तो बाहर निकालने की कोशिश है जो आपने अपने घोषणा पत्र में कही थी। आप ये बताइए आज देश में जो कोरोना काल है, आज हमारी जीडीपी -23% चलेगी, अगर एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो केवल कृषि क्षेत्र दिखाई दे रहा, उसी को तो अच्छा करने की कवायद बता रही है बीजेपी सरकार, उसको ये तहस-नहस कर रहे हैं। ये देखिए बीजेपी का तो ये राम मंदिर से पहले, राम मंदिर का मुद्दा लाने से पहले इनको तो व्यापारियों की पार्टी माना जाता था, उद्योगपतियों की पार्टी माना जाता था, और वो तेरा अब सामने आ गया सबके। मैं कहता हूँ 85% स्टेट में लोगों के किसान है, और जो ये आवश्यक अधिनियम संशोधन इन्होंने लेके आया है, ये कालाबाजारी करने के लिए कालाबाजारी करने वाले कौन लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कालाबाजारी करेंगे, केवल केवल लेके आया किसानों की पेंशन का प्रावधान किसने किया और आपने बोल रहे थे साल लूटा और दिया क्या? अरविंद भारद्वाज तो मजबूरी में इनके साथ खड़े, इन्होंने भी कह दिया कि हम भी सिंधित और बादल की तरह आके खड़े हो जाएंगे, हम किसानों के साथ है, ये तो इनके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ है, बीजेपी की जो अरे तो बीजेपी तो है किसानों के साथ भाई, बीजेपी किसानों के साथ, किसानों का देश द्रोही कह रहे थे, आपने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पाला में, आपने तो किसानों को देश द्रोही कहा एक महीने पहले, आपने एक महीने पहले किसानों को देश द्रोही कहा, संजय शर्मा ने कहा है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, किसानों का बड़ा गंभीर मुद्दा है, इमोशनल इशू है, लेकिन आप जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इस तरह से कोई भी पॉइंट्स बाहर नहीं आ पाएगा, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, ठीक है। हाँ जी संदीप गोयल साहब, आप कुछ कह रहे थे, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कहते हैं कि किसान आजादी मना रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, एक तरफ तो भारतीय सरकार कहती है कानून बनाते हुए कि इस प्रकार के झगड़े जो होंगे उसके लिए कोई अदालतों का निर्माण नहीं होगा, दावे मुकदमे कोर्टों में नहीं डाले जाएंगे, और देश की सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि कृषि अदालतें लगाई जाएंगी, क्यों किसानों को बेवकूफ बना रही है सरकारें, क्यों केंद्र की सरकारें राज्य सरकारों के हकों को खा रही है, पहले जीएसटी के हकों को खा गई, अब हमारे कृषि के हक को खा रही है, और बदले में जब राज्य सरकारों को जरूरत पड़ती है केंद्र की सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती, और देश को बनाने में नंबर वन है, आप देखिए अगर किसान को अदालतों में जाना पड़ गया, अगर 2 से 5 एकड़ जमीन पर 85% किसान हरियाणा में है और लगभग 50,000 से भी ज्यादा की कमाई वो नहीं कर पाएगा, वो अपनी सारी कमाई को अदालतों में दे देगा, वकीलों को दे देगा, कोर्ट कचहरियों में चक्कर काट के अपनी कमाई खो देगा, अपने बच्चों का पालन कब करेगा, और बड़ी बात जब झगड़े पैदा होंगे तो उस एग्रीमेंट के अंदर 2 चीजें बड़ी ही गंभीर हैं, अगर सरकार इतनी बड़ी आजादी की बात सरकार किसान की करती है तो एक लाइन लिखते वक्त तो सरकार के कलम की स्याही छूट गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी एग्रीमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, सरकार उसकी जांच करेगी, गारंटी रखेगी उस पेमेंट का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। दूसरी बात, अगर कोई झगड़ा आता है यतिंदर जी, उस झगड़े को 30 दिन के अंदर पहले तो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, पूंजीपति लोग बैठेंगे, उसको 30 दिन तक निपटारे का टाइम दिया गया, वो 30 दिन के बाद अगले 30 दिन का SDM की कोर्ट में दावा डलेगा, फिर उसके अगले 30 दिन के अंदर फिर वो फैसला आएगा, 90 दिन तो ये निकल गए, अगले 30 दिन के लिए अपील का टाइम मिलेगा, 120 दिन निकल गए अपील लेकिन ये व्यवस्था तो मुझे लगता है ठीक है गोयल साहब, क्योंकि अगर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं तो सालों साल बाद नंबर आता है तारीख पर, गोयल साहब तारीख पर तारीख तो काफी चलता है कोर्ट में, अगर SDM और DC के पास जा रहा है मामला तो जल्दी निपटने की कवायद रहेगी, तो यही मैं कह रहा हूँ जितेंद्र जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, SDM के जब मामला जाएगा 60 दिन तक पहुंचेगा, SDM उस पर फैसला करेगा, कलेक्टर की अपील का 30 दिन का टाइम, कोर्ट में तो सालों साल लग जाते हैं, फैसला होगा 120 दिन, उसकी एग्जीक्यूशन तो लगेगी आधा साल, किसान का चला जाएगा, उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। अरविंद जी को जवाब देंगे गोयल साहब की बात का, जो उन्होंने शंकाएं जो समस्याएं जो गिरा रहे हैं वो जी, ठीक है गोयल साहब, अरविंद जी ये कानून बताता है भारत सरकार का, ठीक है गोयल साहब, ठीक है हाँ अरविंद जी, इनको पढ़ते क्यों नहीं, गोयल साहब ठीक है, अरविंद जी को भी बोलने का मौका दीजिए जी, जितेंद्र मैं जवाब देता हूं, नहीं रुकिए अत्री जी रुकिए, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, अरविंद जी अगर कोई व्यापारी किसान से MSP से कम दाम पर खरीदेगा तो किसान उसे क्यों बेचे, किसान मंडियों में जाके MSP पे बेचेगा ना, इसीलिए तो सरकार कह रही है कि MSP भी है, हम कहीं MSP को खत्म करने नहीं जा रहे,
आप ये देखिए ना, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। आप चुनावी भाषण मत पहनिए यहाँ बैठकर, वो मंचों के लिए बचा कर रखिए। अब सुनिए ना, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं, अब सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपके। अगर अगर कोई व्यापारी एमएसपी से कम दाम देगा तो किसान मंडी जाएगा और सरकार खरीदेगी। सरकार कहाँ मना कर रही है समर्थन मूल्य तक खरीदने पे, बताइए। सरकार तो कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे, सरकारी खरीद होगी। यही तो है, आप कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं, आप जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, यही वो बात है। किसान क्यों जाएगा फिर अगर कोई कम रेट देगा व्यापारी, किसान मंडियों में जाकर खरीद लेगा। दूसरी बात मंडियों की सुनिए, आप मैं आपको बताता हूँ बात, मंडियों की बात आइए आप सबका, आप खुद ही छूट दे रहे हो कारोबार करने के लिए। बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, आपके सारे एरिए को कवर कर लेंगे। आप मंडल में किसानों 2 एकड़ से नीचे की जमीन का आपको ना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मिल पाएंगे, ना आपको लेबर मिल पाएगी, आप कैसे खेती कर पाओगे? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आप लोगों को मजबूर करोगे, आप जमीन को बेचने के लिए मजबूर करोगे, उसी काम को जमीन के ऊपर मजबूर। आप इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे, इन्हें सपना आ गया क्या? अरे जीवन में कभी सकारात्मक सोचिए, हमेशा नकारात्मक मत सोचिए। इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन्हें रोकिए, ये बीच में शुरू हो जाते हैं भाषण देना। ठीक है गोयल साहब सुनने की भी आदत डालिए। जब आप कह रहे हैं तो मैं किसी को नहीं बोलने दे रहा, लेकिन आप दूसरों को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। गोयल साहब थोड़ा शांति बनाए रखिए। राकेश जी बाकी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि जो सालों साल तक सत्ता में रहे उन्होंने किसानों को गुमराह किया, और जो पिछला कार्यकाल, अगर और दूसरी सरकारों की मैं बात करूं, मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो क्या लगता है किसने ज्यादा किया होगा किसानों के लिए? देखिए 70 साल से डेवलप हो रहा है किसानी, ऐसी भी बात नहीं है कि किसान नहीं, परंतु अब जाके किसान को परेशानी कहां आ गई कि इन्होंने सारी खरीद निजी हाथों में सौंप रहे हैं इस कानून के तहत, क्योंकि मंडी के बाहर फ्री है और मंडी के अंदर टैक्स है। अब ये मेरे मित्र कह रहे हैं कि मंडी के अंदर बेच लें, अरे भाई जब मंडी रहेगी नहीं तो मंडी के अंदर किसान जाएगा कैसे? व्यापारी खरीदार रहेगा, मंडी क्यों नहीं रहेगी? राकेश जी दिक्कत कहां है? ऐसी तो कोई बात सरकार की तरफ से कहीं नहीं गई कि मंडी नहीं रहेगी। मैं आऊंगा आपके पास, पहले राकेश जी से बात हो रही है। राकेश जी ठीक है हाँ राकेश जी, किसने कहा मंडी खत्म होने जा रही है? सुनने की चिंता आप रखे, आप केवल झूठ बोलना और आप मोदी जी के पैरों में गिरने जाके, हमें झूठ नहीं है। गोयल जी किसान नेता हैं, बाकी से राकेश जी हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, क्यों किसान नेता की आवाज आप दबा रहे हैं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है हाँ राकेश जी, आपके लिए जो लोग कैरी कर रहे हैं ना, आप आना गांव के अंदर आपको क्या दिखाते हैं लोग जी? आप गांव का नाम बताओ, आप गांव अपने गांव का नाम बताओ, मैं आपके गांव में आता हूँ, मैं आता हूँ अपने गांव में, मैं आपके गांव में आऊंगा, बताओ कौन सा गांव है आपका? ठीक है, इसे व्यक्तिगत तौर पर ना लें अरविंद जी, राकेश जी, ये चर्चा हो रही है किसानों से जुड़े मुद्दों की, उनके भविष्य की, उनके वर्तमान की। ठीक है अरविंद जी, ये लोकतंत्र है, ठीक है, कानून का राज है। बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र है, कानून का राज है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर नहीं जी, आपका गांव का नाम बताओ, आपका गांव का नाम बताओ, ये कानून का राज है, अपने गांव का नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ। चर्चा आप बाद में कर लेना, अपने गांव का नाम। ठीक है अरविंद जी, गांव का नाम पूछो, मैं आऊंगा इनके गांव में। ठीक है अरविंद जी, आप चले जाना, मैं हम आपको बता देंगे इस डिबेट के बाद। ठीक है, मुद्दे पीछे रह जाएंगे आपकी इस बहस में, जिन मुद्दों पर बड़ी बहस हो रही है, जिन मुद्दों पर हरियाणा बात कर रहा है किसानों की। ठीक है अरविंद जी, आप गांव से भी हो या नहीं है, गांव के रहने वाले हो या नहीं हो, आप किसान हो, किसान हो, अपने गांव का नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ ना, मेरा नाम डर क्यों लग रहा है, अपने गांव का नाम बताओ, मैं आऊंगा आपके गांव में। ये धमकी देनी बंद करो कि गांव में नहीं घुसने दोगे, कैसे नहीं घुसने दोगे? आप मालिक हो क्या गांव के? आप गांव के मालिक हो क्या? हमारा प्रदेश है। ये धमकी देनी बंद करो। बिल्कुल सभी का प्रदेश है अरविंद जी, राकेश जी, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप कैसे क्या बात, यहाँ चर्चा हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है, मुद्दों पर बात कीजिए, व्यक्तिगत तौर पर ले जाएंगे। सारा प्रदेश इस बात को देख रहा है, किसान भी देख रहे हैं कौन कितना गंभीर है और किस तरह से बात की जा रही है। ठीक है बहुत हो गया। ठीक है अरविंद जी, थोड़ा शांति बनाए रखिए। ठीक है
मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, ये धमकी दे रहे हैं आपके चैनल पे बैठकर। ठीक है, ये कैसे रोक रहे हैं भाई? ये कौन होते हैं? ठीक है, मैं आप ठीक है जी, अत्रे जी, अत्रे जी बताइए आप जी। देखिए एक मिनट अरविंद भाई, अरविंद जी अब शांति। ठीक है भाई, एक मिनट, देखिए इंद्र जी जिस तरह से अरे भाई अब बहुत हो गया, सुन लीजिए पूरा सुनिए, सुनिए अब जिस तरह से वो मोदी जी के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं साहब, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और बहुमत से चुने चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, ऐतिहासिक वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री, आप उनके लिए जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हो, जिस तरह से आप चैनल पे धमकी दे रहे हो, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे? आपकी यूनियन के अध्यक्ष उनकी बेबी पार्लर का चैनल बोलते थे, आपको पता है क्यों अपने आप को इतना बात करने की कोशिश कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है, वो देश के प्रधानमंत्री है, कब धमकी मत दिए बैठे। अरे अब सुनिए ध्यान, देखिए इन्होंने दो तीन बातें कही यहाँ पे इंद्र, पहली बात तो वो संदीप गोयल थे के साथ ऐसे के पास जाएगा साठ बचाएंगे, वो क्या रहा है कि या तो उन्होंने अध्यादेश छोड़े नहीं और या जांच बूझ के बोल रहे हैं पर गला दे। अरे सुनिए भाई, ये अध्यादेशों में बड़ा स्पष्ट है कि पहले तो, अरे भाई चुप कर जाओ यार, तुम इतनी देर बोल रहे हो, उन्होंने बड़ा करो कहेंगे कि आप इस तरह के नेता हैं, इस तरह से बहस थोड़ी होगी। ठीक है गोयल साहब, देखिए पहले तो जी सुन लीजिए, अरे भाई रुक यार, अरे कब जाने तुझे, रुक जा भाई थोड़ी देर, रुक कानून पढ़ ले, अरे अरे बोलते भाई ले, सुनेगा तो कानून पढ़ ले, कानून पढ़ के बात करेगा टीवी के ऊपर सुनने की, अरे भाई सुन ले थोड़ा सा, थोड़ा समझ में आएगा अध्यादेश और उसके बारे में सुन लो, थोड़ा सुनो पहले, जब सुनोगे पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले जितेंद्र क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो स्थानीय कमेटी होगी जिसमें किसान नुमाइंदा, सरकारी नुमाइंदा, और ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं, अध्यादेश में लिखा है, उसके बाद एसडीएम, और एसडीएम है टाइम बाउंड 30 दिन के लिए, ये साठ दिन कह रहे थे 30 डेज, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर वो भी 30 डेज, और ये कह रहे थे साहब कोर्टों में जाएंगे तो, अरे यही तो हम चाहते नहीं है, और जिन कृषि अदालतों की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी आप सुन लेते ध्यान से, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था, कृषि अदालतें बनाएंगे उसमें योग्य व्यक्ति लगाएंगे, वो ज्यूडिशरी के अंदर नहीं होंगी, वो केवल 3 इश्यूज को एड्रेस करेंगी, पहले ध्यान से सुना करो बजाय बात का पतंगड़ बनाने के। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और चर्चा हो ही नहीं पाएगी, सुनने की भी आदत डालो, ये हंगामे का मकसद ही रहता है क्या केवल? ठीक है, केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अध्यादेशों पे किसानों को बरगला ले, यहाँ पे भी शोर मचा रहे हैं, अगर आप बहस करने आए हो तो कम से कम बहस ढंग से तो कर लो, जनता को सुनने तो दो, हमारी भी सुने हमारी भी सुने, पता लग जाएगा। ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी नहीं, मैं अपनी जी मैं आऊंगा आपके पास, अरे भाई ऐसे कैसे, और भी लोग हैं मेरे पास जी, मुझे सबसे सबकी सुननी है जी। बाल मुकुंद जी, जब किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज खुद बोला है कि जो बहुत बड़ा हिस्सा उनकी आय का बिचौलियों के पास चला जाता है, उन बिचौलियों को आय का हिस्सा ना जाए, किसानों को नुकसान ना हो, उसमें दिक्कत क्या है? अगर उन्हें उनकी उपज का अच्छा पैसा बाहर मिलता है मार्केट से ज़्यादा, मंडी से ज़्यादा, तो मंडी से बाहर बेचने में दिक्कत क्या है? कोई भी किसान नुकसान में क्यों बेचेगा? इतना तो बुरा भला अपना वो समझेगा कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। अगर उसे MSP पर बेचना है तो मंडी में जाए, बाहर बेचना है, बाहर ज्यादा फायदा मिल रहा है तो बाहर बेचे, दिक्कत कहाँ है इसमें? नहीं इंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ साथ, फिर दूसरे लोग चलाएंगे जी। बिहार में APMC 2006 में खत्म कर दी गई जी, वहां से व्यापारी लोग माल खरीद खरीद के हरियाणा पंजाब में लेके आए क्योंकि यहाँ APMC व्यवस्था लागू है और MSP पे उन्होंने माल बेचा। पिछले 14-15 साल से ये व्यवस्था, जब वहाँ BJP और अलायंस सरकार JDU की थी, 2006 में वहाँ APMC खत्म कर दी गई थी, वहाँ से सारा माल उठा उठा करके जो ये बिचौलिये जिनको आप कह रहे हैं वो लोग उद्योगपति भी इसमें शामिल हो गए, ला करके हरियाणा पंजाब में बेच दिया और MSP में माल बेच दिया। अब आप व्यवस्था समझिए क्या है, हम ये कहना चाहते हैं APMC एक और चौथा अध्यादेश ले आए। दूसरी बात, एक अध्यादेश की जहां तक बात है, आप कृषि पे अध्यादेश ले रहे हैं, कोई आफत नहीं आ रही थी हमारे ऊपर, आप इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते, इसको
विद्वान लोगों से सलाह लेते, इस पे कोई व्यवस्था बनाते। किसान आंदोलन से जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी किसान यूनियन है, उनसे सलाह करते। उसके बाद अरविंद जी का कोई जवाब है, जिस तरह से उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, क्या बिहार जैसी सिचुएशन यहाँ पर ना बने या दूसरे प्रदेशों में ना बने, इसको लेकर इस बिल में कुछ कहा गया है? नहीं नहीं, ये तो मेरे सवाल अरविंद जी से है, प्रवीण जी। जी 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 अरविंद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो बाल मुकुंद जी ने जो सवाल उठाया है कि बिहार में जिस तरह से एपीएमसी खत्म किया गया और उसके बाद बिचौलिए किसानों का सामान लेकर दूसरे प्रदेशों में गए, हरियाणा पंजाब में लेकर गए, जिसकी वजह से उनको वहाँ नुकसान हुआ बिहार में, तो दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन किसानों का होता है, तो क्या इस सिचुएशन से बचने के लिए इस बिल में कोई सुझाव है? नहीं बिल्कुल, आप ये देखिए ना, हमारे केंद्र सरकार की ओर से जो ये बिल लाया गया है इसमें सारी सुविधाएं, और फिर मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर व्यापारियों के साथ मंडियों से बाहर अगर कोई खरीद होती है और उसमें कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए भी जिला स्तर पर इस तरह की अदालतें लगाई जाएंगी ताकि उनके जो मामले हैं वो निपटाए जा सकें। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन की लड़ाई नहीं है जो हरियाणा में हो रही है, ये 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 एक साजिश है। जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार गई है, हुड्डा साहब और उनके जो लोग हैं वो लालायित है सत्ता में आने के लिए, कभी आरक्षण आंदोलन के बहाने, कभी किसान आंदोलन के बहाने, ये लोग सीधे साधे भोले भाले किसानों को भड़काते हैं और इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब को सरकार में लाने की है। ठीक है राकेश जी, हमारे साथ एक किसान नेता राकेश जी, सीधे साधे किसान भड़क रहे हैं, आप दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्ष है उनके बहकावे में आ रहे हो, जबकि इस बिल में साफ साफ प्रावधान है, साफ साफ नियम है कि किसानों का भला होगा, उनकी उपज का अच्छा दाम उन्हें मिलेगा। कौन भड़का रहा है आप लोगों को? ये तो धमकी देते हैं, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे अरविंद जी, वो आपसे बात नहीं कर रहे, मैं उनसे सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। अरविंद जी, अरविंद जी वो आपसे बात नहीं कर रहे, उनसे बात हम कर रहे हैं, उनके भी जी। ठीक है, अपने गांव का नाम नहीं बताते? ठीक है राकेश जी, गांव का नाम बताओ, मैं आता हूँ मिलने इनसे, मैं कहता हूँ मेरी गर्दन काटना, अपने गांव का नाम बताओ, मैं आता हूँ मिलने, मुझे मार देना, मेरी हत्या करके अगर आपका मंसूबा सफल। अरविंद जी, मामले को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, ऐसी ठीक है मुझे। हाँ राकेश जी, मुख्यमंत्री बनते हो तो बना लो, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो ना, मुझे मार देते अगर बंदे, मार दो मेरी हत्या कर दो, मैं आपके गांव आता हूँ, ये धमकियां देनी बंद करो चैनल पर, ये एक राष्ट्रीय चैनल है। अरविंद जी आप फिर उसी मुद्दे पर आ रहे हैं, ये भाषा अच्छी नहीं है, किसान ये भाषा नहीं बोल सकता, किसान ये भाषा नहीं बोल सकता, हमारे प्रदेश का किसान ऐसी भाषा कभी नहीं बोल सकता, हमारे प्रदेश का किसान ऐसी भाषा कभी नहीं बोल सकता, ये अपनी भाषा। गोयल साहब कम शब्दों में अपनी बात, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है जी। अब अपने गांव का नाम भी नहीं बताते आप, ये तो बता रहे हैं आपने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि भाई आज किसान को दिक्कत क्या होगी, मैं बताना चाहूंगा किसान के साथ जब एग्रीमेंट होगा तो स्पॉन्सर करेगा, क्वालिटी देखेंगे आपकी प्रोडक्ट, आपकी यूटिलाइजेशन देखेंगे, अगर क्वालिटी डीप रही लॉस है, गाना मोटा नहीं है तो उसकी खरीद के दाम घटा दिए जाएंगे, जबकि सरकारें जब खरीदती हैं तो सरकारें वेलफेयर ठीक है। अत्रे जी बस एक मिनट में अपनी बात, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है। ठीक है गोयल साहब, ये बात जो संदीप गोयल कर रहे हैं ना, अब फिर ये तथ्यों से आकर के बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक बुआई से पहले का कॉन्ट्रैक्ट, एक बुआई से लड़ते हैं, आप सुना नहीं सकते, आप ठीक है अच्छे ठीक है। आप सभी ने इस बड़ी बहस में भाग लिया, बड़ी गर्मा गर्म चर्चा हुई और साफ तौर पर जो कृषि अध्यादेशों को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है उस पर सबकी नजर, और शायद यही कारण है कि एनडीए में भी फूट का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो किसानों के हित में वो कड़े फैसले लेंगे और उनके साथ जो वो बिल लेकर आए हैं वो उसके साथ है, उनकी सरकार इस पर अड़ी रहेगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही।